नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। अनियंत्रित कार कंटेनर में घुसी, चार लोगों की मौत। लखनऊ अयोध्या एनएच 28 पर हुआ भीषण हादसा। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या एनएच 28 पर भीषण हादसे में चार व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। अयोध्या से लखनऊ की ओर जा रही टवेरा कार अनियंत्रित होकर कंटेनर में घुस गई। हादसे के करीब एक घंटे तक थाने से एसओ और दरोगा नहीं पहुंचे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का राहत बचाव कार्य जारी किया। हादसे के बाद कार के सात मृतकों के शव बुरी तरह फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। बताया जा रहा है कि चारों मृतक लखनऊ के ठाकुरगंज में रहते थे। जानकारी के अनुसार सफदरगंज थाना क्षेत्र के पल्हरी चौराहे के निकट हाईवे पर बुधवार सुबह करीब 8 बजे अयोध्या से लखनऊ जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर एक कंटेनर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार लखनऊ ठाकुरगंज के निवासी चार व्यक्तियों की कार में दबकर मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। चश्मदीद का आरोप है कि हाईवे पर सुबह सुबह हुए भीषण हादसे की घटना एक घंटे बीतने के बाद सफदरगंज थाने के कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे। राहत बचाव दल न होने से घटना के बाद कार में फंसे घायल काफी देर तक तड़पते रहे। करीब एक घंटे बाद पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया और कार में दबे लोगों को निकाला गया। पुलिस अफसरों ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और हाईवे का ट्रैफिक सुचारू कराया जा रहा है। पुलिस अफसरों के अनुसार मृतक लखनऊ ठाकुरगंज निवासी इनोवा कार से थे, जो अयोध्या से लखनऊ जा रहे थे। अचानक नींद आने से कार अनियंत्रित हो गई, रॉन्ग साइड में सामने से आ रहे कंटेनर में जा घुसी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया जा रहा है। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।